कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह न्यूज मार्केट 24 से। न्यूज मार्केट 24 की पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को धनतेरस, दिवाली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप यह आने वाला त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं और आने वाले त्यौहार में आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, यही आशा के साथ न्यूज मार्केट 24 की तरफ से एक बार फिर से आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। मंडी गोविंदगढ़, एमएस सिंगट के भाव, एमएस स्क्रैप के भाव, साथ ही साथ कास्ट आयरन के क्या भाव हैं, 4CCRC कॉइल के क्या भाव हैं, और आपको बताएंगे मार्केट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, किस तरीके से आप खरीदारी कर सकते हैं, किस तरीके से आप बिकवाली करके चल सकते हैं, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। और आप सभी को न्यूज़ मार्केट 24 की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। चलिए बात करेंगे अब मंडी गोविंदगढ़ में एमएस सिंगट पे किस तरीके से कामकाज हो रहा है। मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट पे कल अगर देखा जाए तो 44,100 से 200 रुपये बाजार बंद होता हुआ दिखाई दिया। बाजारों में कोई खास कामकाज होता हुआ नहीं दिखाई दिया, इसमें 100 रुपये की नरमी के साथ बाजार बंद हुआ। एमएस स्क्रैप का बाजार 33,200 रुपये हो गया। एमएस सिंगट और स्क्रैप कन्वर्जन रेट की अगर बात करी जाए तो 11,000 रुपये पर कामकाज हुआ। कास्ट आयरन में अगर बात कर लेते हैं, मंडी गोविंदगढ़ टोका का बाजार 38,200 रुपये रहा, इंपोर्टेड का बाजार 39,200 रुपये बोला गया। अब जान लेते हैं 4CCRC कॉइल की क्या स्थिति है। 4CCRC कॉइल में लुधियाना 4C कॉइल का बाजार 56,300 रुपये, CRC कॉइल का बाजार 62,800 रुपये रहा। गाजियाबाद 4C कॉइल का बाजार 57,000 रुपये, CRC सीट का बाजार 63,000 रुपये पर कामकाज हुआ। कोलकाता 4C सीट की अगर बात करेंगे तो 56,100 रुपये, CRC सीट का बाजार 61,000 रुपये पर कामकाज होता हुआ नजर आया। तो आप देख के चल सकते हैं जो सारे बाजारों में आपने निचले स्तर से कुछ हल्का सा बाजारों में आपने बढ़त देखी थी। अगर देखें तो निचले स्तर में 43,500 रुपये जो बाजार गया, ऊपरी स्तर में 44,400 से 500 रुपये तक गया, लगभग 1,000 रुपये पर टन की बढ़त आई। लेकिन उसके बाद फिर बाजारों में हल्की सी मुनाफा वसूली के साथ बाजारों में गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। लगातार विदेशी बाजारों के जो संकेत मिल रहे हैं वो बढ़िया आ रहे हैं, लेकिन घरेलू बाजारों में जो आप लोगों को मालूम है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसके एवज में जो कैश का कामकाज है बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा, उसका इम्पैक्ट भी बाजारों में साफ साफ देखने को मिल रहा है। इस वजह से बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तेजी की संभावना नहीं है बाजारों में, एक रेंज बाउंड, एक सीमित दायरे में ही कामकाज होता हुआ नजर आएगा। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग 9:30 का शो आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति है। रायपुर एचबी वायर का बाजार 46,900 रुपए पर रहा। जीआई वायर का बाजार 52,000 रुपए पर। एमएस पाइप की अगर बात करेंगे तो गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 47,000 रुपए हो गया। रायपुर पाइप का बाजार 45,300 रुपए। टीएमटी मंडी गोविंदगढ़ टीएमटी में बढ़त के साथ 48,500 रुपए पर कामकाज हुआ। दुर्गापुर का बाजार 44,400 रुपए। इंदौर का बाजार 48,500 रुपये। रायपुर का बाजार 44,700 रुपये। जयपुर का बाजार 47,400 रुपये। मुजफ्फरनगर का बाजार 46,200 रुपये रहा। भावनगर में 49,900 रुपये पर कामकाज हुआ, जबकि गाजियाबाद टीएमटी का बाजार 48,000 रुपये। जलना टीएमटी 48,700 रुपये। पटना टीएमटी 46,200 रुपये पर कामकाज होता हुआ नजर आया। ओवरऑल आउटलुक आप देख के चल सकते हैं बाजारों में, इधर दिवाली की छुट्टी वगैरह हो गई, एक रेंज बाउंड, एक सीमित दायरे में ही कामकाज होगा, लंबी चौड़ी उतार चढ़ाव की फिलहाल संभावना अभी फिलहाल नहीं नजर आ रही है। आप जान लेते हैं मंडी गोविंदगढ़ में आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। मंडी गोविंदगढ़ में आज का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 43,800 रुपये का, रेजिस्टेंस का लेवल 44,600 रुपये, पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 32,800 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 33,600 रुपये का देखा जा रहा है। ओवरऑल आउटलुक आप देख के चल सकते हैं कि आप बाजारों में निचले स्तर से आप खरीदारी करके चलेंगे तो बेटर रहेगा। अगर खबरों में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार।